नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने लोक देवताओं के बारे में चर्चा की थी, जिसमें कि हमने पंच वीरों को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारे शेष रह गए हैं। दोस्तों, हम अपना बिना वक्त ज़ाया करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आइए, अब हम नेक्स्ट लोक देवता हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत प्रबल संभावना रहती है। तो उनका नाम है देव नारायण सिंह। अब हम किसकी बात करेंगे? देव नारायण सिंह। दोस्तों, देव नारायण जी की बात करें तो इनका जन्म स्थान, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, ऐसा हमने क्या किया कि ये लोग देवता के रूप में पूजे जाने लगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इनकी जन्म स्थान की बात करें हम। जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो इनका जन्म स्थान आसीर भीलवाड़ा जन्म स्थान का माना जाता है, आसीर भीलवाड़ा। इनकी डेट भी सामने आती है, जो जन्म स्थान और इनका जो समय है वह है 1245 ईस्वी। ये डेट सामने आती है 1245 ईस्वी। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम आता सवाई घोष। इनकी माता जी का नाम, इनकी माता जी के नाम की अगर बात करें तो शीलू खटानी। अच्छा जी, इनके जन्म स्थान की बात हो गई है आशीन भीलवाड़ा 1245 ईस्वी। पिताजी का नाम सवाई घोष, माता का नाम शीलू खटानी। अच्छा, देवनारायण जी के बचपन का नाम भी हम लिख लेते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। उदय सिंह, ये क्या था, इनके बचपन का नाम था उदय सिंह, ऐसे रहा था इनके बचपन का नाम। बचपन का नाम उदय सिंह। अब इनकी पत्नी का नाम देखते हैं। दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था। ये धार नरेश, इनके बारे में विशेष, ये धार नरेश, धार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। इसकी पुत्री थी धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी। लोग इनको देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। ये नोट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है, तो विष्णु का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट, ये बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुजर थे। जो देवनारायण जी हैं, बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुजर थे। इनके घोड़े का नाम लीलागर था, जो इनका घोड़ा था। आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण जी का
भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला होता है आशी भिलवाड़ा में। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देव नारायण जी का मेला भरता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि देवनारायण जी का मेला कहाँ भरता है, किस तिथि को भरता है, तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला भरता है। अच्छा, इनके देहांत की बात करें तो देवनारायण जी का देहांत देवमाली अजमेर में हुआ था। देवमाली अजमेर में इनका देहांत हुआ था। देव नारायण जी के सामने यहाँ कहते हैं कि देवमाली अजमेर, देवमाली अजमेर में इनका देहांत हुआ था। और एक मेला और बताए देवधाम निवाई टाउन। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी हुई है, ये भी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। और इनके लिए एक विशेष बात, ये औषधि शास्त्र की जाता है। यहाँ लिख लेते हैं औषधि शास्त्र के ज्ञाता, औषधि शास्त्र के क्या थे, ज्ञाता थे। अब इनके बारे में जो मुख्य है, जैसे बार बार हर एग्जाम में चाहे कोई सी लेवल का हो, रीत हो, बीएसटीसी हो, राजस्थान लेवल, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। इनकी फर्ज से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को लगभग मिल जाता है, तो उसको करेंगे हम। देव नारायण जी की फल राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फल है, ठीक है दोस्तों, देव नारायण जी की फल राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फल है। इनकी फल का वाचन, इनकी फड़का वाचन कौन करता है, इनकी फड़का वाचन गुर्जर भोकों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र से किया जाता है। देव नारायण जी की फड़का वाचन, इनकी फड़का वाचन गुर्जर जाति के भोकों द्वारा, जंतर वाद्य यंत्र से किया जा रहा है। जंतर वाद्य यंत्र से किया जाता है, ये बहुत खास है, आपको याद रखने लायक कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है किस लोक देवता की फल राजस्थान में सबसे लोकप्रिय है। तो आपको ध्यान रखना है कि देव नारायण जी की फल राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फल है। देव नारायण जी प्रथम ऐसे लोक देवता हैं जिनकी देव नारायण जी ऐसे एकमात्र लोक देवता हैं जिन पर 2011 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। देव नारायण जी, ये बहुत विशेष बात है, इसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है,
जो यहाँ कंटेंट मिल रहा है वो बहुत खास है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप किसी भी एग्जाम राजस्थान लेवल के, किसी भी एग्जाम राजस्थान जी के, कला संस्कृति जो ये टॉपिक मैं यहाँ क्लियर आपको कराऊंगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का एग्जाम हो, राजस्थान में पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, रीट मेंस हो, हमारी कोई भी राजस्थान बीएसटीसी हो, कोई भी लेवल का एग्जाम हो, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको बेझिझक होते हुए बस धैर्य से देखना है और धैर्य से पढ़ना है, साथ ही साथ मेरे रिटर्न करते जाना। आपको ऐसे नोट्स बनाएंगे बहुत दमदार अल्टीमेट। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा 2011 में देव नारायण जी पर डाक टिकट जारी कर दिया। ठीक है दोस्तों, और इनके जो प्रमुख स्थान है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, देवनारायण जी की फल राजस्थान में सबसे लोकप्रिय, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फल है। इनकी फल का वाचन गुर्जर जाति के भोपाल द्वारा जंतर बहादुर मिश्र किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि गुर्जर जाति के भोपाल द्वारा देवनारायण जी की फल का वाचन किस वाद्य यंत्र से किया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा कि देवनारायण जी का वाचन जंतर मंत्रालय ने 2011 में देवनारायण जी की देवनारायण जी का डाक टिकट जारी कर दिया है। ये बहुत खास बात है, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। देवमाली अजमेर में इनका ध्यान हुआ था, पांचवा सुख सप्तमी को देवनारायण जी का मेला आसीन भीलवाड़ा में पड़ता है और देवधाम में कम में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखने योग्य बात है। औषधि शास्त्र की ये ज्ञात आते बहुत खास बात, औषधि शास्त्र के लिए याद आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनके प्रमुख स्थान की बात करते हैं। प्रमुख स्थान की बात करें हम, तो जो फर्स्ट प्रमुख स्थान है पहला वॉट मान लो, वॉट मान लो देवमाली, जहां पर आदिपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है, जो भी कहा है व्यापार अजमेर में, देवमाली कहा है दोस्तों। और एक और है देव डूंगरी पहाड़ी, जो कि गाय तो दोस्तों देवनारायण जी के बारे में जो बताया है वो विष्णु का अवतार माना जाता था, इसको देवमाली अजमेर में का देहांत हुआ था, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला पड़ता है देवगांव में भी और आसी भीलवाड़ा में भी, और औषधि शास्त्र के ज्ञात थे। और एक बार वाइस करें तो देवनारायण जी के पिता का नाम, माता का नाम, तो देव नारायण जी के पिता का नाम सवाई घोष था, माता का नाम सेठ पठानी था। इनका जन्म स्थान आसी भीलवाड़ा, जन्म का समय 1243 ईस्वी, घोड़े का नाम लीलाधर पूछ लिया जाता है, इनकी घोड़े का नाम क्या था। प्रमुख स्थान की बात करें गौट गौट मांगलो, देवमाली ब्यावर अजमेर, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़। तो देव नारायण जी के बारे में जो कंप्लीट हो गया है, ये अब नेक्स्ट दो देवता की बात करेंगे।
हमारे नेक्स्ट जो लोग देवता रहेंगे उनका नाम है तेजा जी। दोस्तों अगर हम तेजा जी की बात करें, नाम है वीर तेजा सिंह। तो दोस्तों तेजा जी की अगर बात करें तो सबसे पहले इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान है खड़माल नागौर। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लोग देवता है, हर परीक्षा में इनसे क्वेश्चन आता रहता है। इनके पिता का नाम ताहड़ जी था, पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कुमारी था इनकी का, माता जी का नाम राम कुमारी। ठीक है दोस्तों, इनकी पत्नी की अगर हम बात करें, पत्नी का नाम पैगल देव था, पत्नी का नाम पैगल देव था जो कि पनेर के राजा रामचंद्र झाग की पुत्री थी, जो कि पनेर के राजा रामचंद्र जाट की पुत्री थी। ये बात हो गई पैगल जी के बारे में, पनेर के राजा रामचंद्र जाट की पुत्री थी और तेजा जी की पत्नी थी पैगल देव। अब एक किंवदंती सामने आती है, चलो एक बार इनके घोड़ी के नाम भी लिख लेते हैं फिर इनकी जो कहानी है उसको सुनाएंगे। घोड़ी है इनकी नीलगढ़, जिसको अपन सिरदारी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, वीर तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। किसकी रक्षा की थी? लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। ज्यादा कहानियों में इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं, हमें जहाँ से सबसे बातें शॉर्ट एंड स्वीट हमें मैटर करना है और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमको विशेष ध्यान रखना है। फालतू की बहुत से टीचर्स होते हैं यूट्यूब पर, मैंने देखा है कि कहानी सुनाने लग जाएंगे जिससे बच्चे इंटरेस्ट, हमें उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ हमें अपना कंटेंट ध्यान रखना है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि हमें क्या करना है, बस वो हमें एग्जाम को नजर रखते हुए हमें अपना कंटेंट क्लियर करना है। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ यहाँ से जो लाछा गुजरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीर तेजा जी ने किसकी गायों को चली थी, तो वीर तेजा जी ने यहाँ लिख लेते हैं, वीर तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को चली, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की। तो दोस्तों ये खास बात हो गई, इनको इनके बारे में देखते हैं, इनको सबसे पहले एक नोट पॉइंट, काला बाला का देवता कहते हैं, काला बाला का देवता कहते हैं। पर्वत सर में नीचे यही लिखे हैं, पर्वत समय वीर तेजा जी का भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल मेला भरता है। पर्वत समय भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल मेला भरता है। जो कि किसका है? पशुओं का, पशुओं का पर्वत सर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल मेला भरता है, जो कि है उस पशुओं का। इनको सर्पों के लोक देवता भी माना जाता है, ध्यान रखिए सर्पों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है।
सर्पों के लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। उनके प्रमुख स्थान की बात करें, एक बार यहाँ से देख लेते हैं इनके, इनका जन्म भरनाला और पिताजी का नाम काहड़ जी, माता का नाम रामपुरी, पत्नी का नाम कैमल दे जो कि पले के राजा रामचंद्र जाट की पुत्री थी, उनकी घोड़ी का नाम लीलड़। और बार प्रश्न आता है यहाँ से, लीलड़ या श्रृंगारी वीर तेजा जी ने दासा गुजरी की गाय भी अच्छा की थी। काला वाला का इनको देवता कहा जाता है। पर्वत सर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल मेला भरता है जो कि पशुओं का है, सर्पों का लोक देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। जिनके प्रमुख स्थान है उनकी बात करेंगे, प्रमुख स्थान की हम बात करें, सुरसरा सुरसरा ब्यावर ब्यावर सेंदरिया और भवाता, दोस्तों सुरसर नामक स्थान पर तेजा जी को सर्प ने डसा था और सेंदरिया नामक स्थान पर तेजा जी की मृत्यु हुई थी। अच्छा, एक और मोस्ट जो भी हमसे रह गया है कि तेजा जी के भोगों को क्या कहते हैं, जो तेजा जी की फल का पाचन करते हैं, जो तेजा जी के भोपे, तेजा जी के भोपे, तेजा जी तेजा जी के भूखों को भोरला कहा जाता है। तेजा जी के भूखों को भोरला कहा जाता है। ये तेजा जी के बारे में कंप्लीट हो गया है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लोक देवता वीर कल्लार जी राठौर की। अब हमारे नेक्स्ट लोक देवता है वीर कल्लार जी राठौर, वीर कल्लार जी राठौर। दोस्तों कल्लार जी राठौर को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनके गुरु योगी भैरवनाथ थे, इनके पिताजी का नाम अचल सिंह था। तो दोस्तों देखते हैं सबसे मोस्ट जो बात है, इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग का अवतार माना जाता है। 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1544 ईस्वी में का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम अचल सिंह था, पिताजी का क्या नाम था अचल सिंह। इनकी पत्नी का नाम महासती कृष्णा जी, ये इनको उपाधि प्राप्त है। क्योंकि कल्लार जी राठौर के शहीद हो जाने पर कृष्णा जी ने समाधि दी, कृष्णा जी सती हुई थी। अब इनके बारे में एक विशेष रूप से, डूंगरपुर जिले के सांगलिया क्षेत्र में कल्लार जी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। किस क्षेत्र में? डूंगरपुर के सांगलिया क्षेत्र में, जहां पर अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। जहां पर क्या? अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों इसको भी नोट कर लें। डूंगरपुर जिले के सांगलिया क्षेत्र में काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है।
जिस पर अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इनका जो स्वर्गवास था वो रुंदेला नाम के स्थान पर हुआ। इनके अगर हम स्वर्गवास की बात करें रुंदेला नाम के स्थान पर हुआ था, कहाँ रुंदेला नाम के स्थान पर हुआ था। इनके बारे में यही विशेष है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाद में पूछा जाएगा कि कल्ला जी का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था, शेषनाग का इनको अवतार माना जाता है, पिताजी का नाम अचल सिंह था, पत्नी महासती कृष्णा जी, डूंगरपुर जिले के सामने क्षेत्र में काले पत्थर की मूर्ति है जिस पर अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस लोक देवता की मूर्ति पर अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। इनके गुरु जी का नाम रह गया है, इनके गुरु का नाम लिख देते हैं गुरु योगी भैरव नाम। ठीक है दोस्तों, इनको चार हाथों वाला देवता भी कहते हैं, इनका उपनाम है चार हाथों वाला देवता। ठीक है दोस्तों, ये हमारे वीर कल्ला जी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लोक देवता की हम चर्चा करेंगे जिनका नाम है देव बाबा। इनका क्या नाम है दोस्तों? नेक्स्ट हमारे लोग देवता है देव बाबा। इनका जन्म स्थान नगला जहाज भरतपुर। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में विशेष बात यह है कि इनको आयुर्वेद का ज्ञान था, आयुर्वेद का ज्ञान था जिसलिए इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता कहते हैं, आयुर्वेद की ज्ञाता माना जाता है, आयुर्वेद की ज्ञाता। ठीक है दोस्तों, गुर्जर और ग्वालों के पालनहार माना जाता है, गुर्जर और ग्वालों के पालनहार, गुर्जर और ग्वालों के पालनहार। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला होता है, इनका साल में दो बार मेला होता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी, वो इनका मेला होता है। ठीक है दोस्तों, ये बार बार पूछ लिया जाता है कि देव बाबा का मेला साल में, ऐसे क्वेश्चन आता है किस लोक देवता का मेला साल में दो बार होता है, अगर देव बाबा ऑप्शन में हो और बाकी तीन ऐसे हो जिनका एक ही बार देव बाबा आ जाएंगे। भाद्रपद शुक्ल पंचमी भी पूछ सकता है कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को किस लोक देवता का मेला होता है, चैत्र शुक्ल पंचमी को किस लोक देवता का मेला होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे देव बाबा से यही खास बात है कि नगला जहाज भरतपुर में का जन्म आयुर्वेद के ज्ञाता थे, गुर्जर और ग्वालों के पालन हार हैं, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला होता है, इनका मेला साल में दो बार
बताए। और नेक्स्ट दो देवता की अगर बात करें तो कल्ली नाम है जी, और नेक्स्ट दो देवता है जो हमारे कल्ली नाम से। नेक्स्ट लोग देवता है हमारे कलिनासी, इनका उपनाम भी है, इनके अगर उपनाम की बात करें तो कामदेव राठौर। कामदेव राठौर दोस्तों इनका जो जन्म स्थान है वह पांचों हजारों में माना जाता है, पांचों पहाड़ी चार नौ दोस्तों पांच और जालौर। इनके पिता का नाम बीरम देव था, इनकी गुरु जो थे जलंधर नाथ, इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ। और ये दो नेता किसी के पूजे जाने लगे क्योंकि इन्होंने प्रकृति के संरक्षक बन लिया था, तो इनको प्रकृति संरक्षण प्रश्न आता है कि प्रकृति संरक्षण पर किस लोक देवता ने बल दिया, तो हमारा आंसर होगा कल्लीनाथ जी। इसको लिख लेते हैं हम, प्रकृति संरक्षण पर बल दिया, प्रकृति संरक्षण पर बल दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे कल्लीनाथ जी कंप्लीट हुए। इनका जन्म पांच और जालौर, इनके पिता का नाम बीरम देव, इनकी माता सॉरी गुरु का नाम जालंधर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लोक देवता वीर बग्गा जी जाट। वीर बग्गा जी जाट की दोस्तों हमारे नेक्स्ट जो लोक देवता है वो है वीर बग्गा जी जाट। वीर ठीक है दोस्तों, इनकी अगर बात करें इनके जन्म स्थान की बात करें तो रीढ़ी गांव बीकानेर, इनका जो जन्म स्थान है वो रीढ़ी गांव बीकानेर। ठीक है दोस्तों, अब इनके इनके बारे में जो बात है ये गौर अक्षार्थ हेतु इन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, इसलिए इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनके बारे में गौर अक्षार्थ, गौर अक्षार्थ हेतु प्राण न्योछावर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लोक देवता की हम बात करें तो वीर फत्ता जी, इनकी अगर बात जन्म स्थान की बात करें तो सांतू गांव, इनका जन्म स्थान है वो बताएं सांतू गांव। ये भी गौर अच्छा देतु इन्होंने अपने प्राण न्योछावर दिए, गौर अच्छा देतु प्राण न्योछावर। ठीक है दोस्तों, वीर पताजी का जन्म सांतू गांव और गौर अच्छा देतु इन्होंने प्राण न्योछावर किया, और इनका मेला रामनवमी को इनका मेला होता है। रामनवमी को इनका मेला होता है। अब नेक्स्ट लोक देवता है हमारे बाबा झुंझार जी। बाबा झुंझार जी की हम बात करें तो इनका जो जन्म है इंद्रलोहा सीकर,
ठीक है दोस्तों, और इन्होंने भी गौरक्षात हेतु अपने प्राण न्योछावर किए। जिस वजह से ये लोग देवता के रूप में पूजा जाता है। न्योछावर ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लोक देवता की हम बात करें भूमिया जी, जिनको भूमि रक्षक देवता कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे लोक देवता है भूमिया जी, इनके बारे में विशेष बात, इन्हें भूमि रक्षक देवता कहा जाता है। भूमि रक्षक देवता ये कौन है? भूमि रक्षक देवता। नेक्स्ट हम लोग देवता की बात करें तो बलराज जी, नेक्स्ट लोक देवता की हम बात करें बलराज जी, दोस्तों बलराज जी के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म स्थान था नया गांव जैसलमेर, नया गांव जैसलमेर ठीक है दोस्तों। इन्हों ये भी गौरक्षात हेतु शहीद हुए थे। जिस वजह से इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। हरिराम बाबा, नेक्स्ट लोक देवता है हमारे हरिराम बाबा ठीक है दोस्तों। हरिराम बाबा की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म स्थान है वो झोरड़ा गांव चूरू ठीक है दोस्तों, झोरड़ा गांव चूरू सर्पदंश के लिए प्रसिद्ध है। ये सर्पदंश के लिए, जिस सर्पदंश मतलब जिनको सर्प कस लेते हैं तो उनका इलाज हरिराम बाबा के पास यहाँ होता है, हरिराम बाबा के मंदिर पे होता है। तो ये सर्पदंश के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही खास प्रश्न है, यहाँ से सर्पदंश के लिए किस लोक देवता को पूजा जाता है तो वो है हमारे हरिराम बाबा। इनके माता पिता का भी नाम लेकर किया जाता है, इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम। तो इनके पिता के अगर हम नाम की बात करें तो राम नारायण जी, इनके पिता का नाम था राम नारायण, राम नारायण जी। इनकी अगर माता का नाम बात करें चंद्री देवी ठीक है दोस्तों, इनकी माता का नाम चंद्रणी देवी था। और एक मात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनके यहाँ सांप सर्प की बांधी की पूजा की जाती है, इसको भी लिख लेते हैं एक मात्र साफ। इनके यहाँ सर्प की बांधी की पूजा की जाती है। इनके यहाँ सर्प की बांबी की पूजा की जाती है। ये हमारे हरिराम बाबा कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम लोक देवता की हम बात करें तो रूपनाथ जी, नेक्स्ट जो हमारे लोक देवता हैं रूपनाथ जी ठीक है दोस्तों। इनकी बात करें तो ये कोल्लू मंडल के थे और ये पाहू जी के भतीजे थे। कोल्लू मंडल के थे, पाहू जी के भतीजे। जिंदराव खींची से, जिंदराव खींची को मारकर इन्होंने पाहू अपने चाचा पाहू जी की मौत का हवाला किया था।
ठीक है दोस्तों, जिंदरा जिसे अपने चाचा की मौत का बदला लिया, इसका जो प्रमुख स्थान है वह है सिंधुदुर्ग नौक मंडी बीकानेर। सिंधुदुर्ग नौका मंडी बीकानेर। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इन्हें बाबा बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कहाँ हिमाचल प्रदेश में बालाघाट के नाम से जाना जाता है। ये हमारे प्रोग्राम जी कंप्लीट हो गए थे। अब हम नेक्स्ट जो लोक देवता है उनकी चर्चा करेंगे, तो डूंगर जी जवार जी जिनका जन्म सीकर में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे लोक देवता हमें मुगर जी जवाहर जी जो कि एक लुटेरे थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ये धनवानों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे, इसलिए इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। सीकर स्थान की बात करें हम तो सीकर और इनके विशेष की बात करें हम तो 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका। दोस्तों जो हमारे नेक्स्ट और लास्ट जो लोक देवता हैं वो हैं हीरो जी। जिनको छेड़छाड़ वाला लोक देवता कहा जाता है, जिनको छेड़छाड़ वाला देवता कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे लोक देवता कंप्लीट हो गए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप बड़े धैर्य से देखें। आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डाउट वीडियो बना लेंगे, उसमें कर देंगे। दोस्तों